आइए बात करते हैं इंडियाज़ एक्वा कल्चर के बारे में, यानी कि इंडिया में पानी के अंदर क्या क्या पालन कर सकते हैं और इनकम को बढ़ा सकते हैं। केवल मछली पालन नहीं होता, बल्कि केकड़ा पालन, मोलस्का पालन, एल्गी का पालन, ये सारे एक्वा कल्चर के अंतर्गत आते हैं। आइए इसके बारे में चर्चा करते हैं। एक्वा कल्चर क्या है? एक्वा कल्चर के अंतर्गत में फिश फार्मिंग, क्रस्टेशियन का पालन और मोलस्का का पालन, एक्वेटिक प्लांट का पालन और एल्गी का पालन, ये सारे आते हैं। इस तरह से आप फिश पालन पाते हैं एक्वा कल्चर में, साथ ही आप क्रस्टेशियन हैं, केकड़े हैं, उनका पालन, मोलस्का का पालन, इस तरह से एक्वेटिक प्लांट है उनका पालन, और फिर इस तरह के जो एल्गी हैं उनका पालन एक्वा कल्चर के अंतर्गत आता है। इसी में एक्वा कल्चर को एक्वा फार्मिंग के रूप में भी जानते हैं। एक्वा कल्चर दो तरह का होता है, फ्रेश वाटर एक्वा कल्चर, जिसपे लेक यानी कि झील में इन एक्वा कल्चर प्रोडक्ट का पालन होता है, जबकि ब्रैकिश वाटर यानी कि खारे पानी में जब इस तरह से झींगा मछली पालन करते हैं तब उसे ब्रैकिश वाटर एक्वा कल्चर कहते हैं। आगे हम बात करेंगे फ्रेश वाटर एक्वा कल्चर के बारे में।